हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं भारत के महापुरुषों के बचपन के नाम, तो चलिए इनको जान लेते हैं। भगत सिंह, भागावाला, विवेकानंद, नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे, महर्षि वाल्मीकि, रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे, आदि शंकराचार्य शंकर के नाम से अपने बचपन में जाने जाते थे, गोस्वामी तुलसीदास राम बोला के नाम से जाने जाते थे, चैतन्य महाप्रभु निमाई के नाम से जाने जाते थे और वंदा बैरागी लक्ष्मण देव के नाम से जाने जाते थे। भागिनी निवेदिता मार्गरेट के नाम से जानी जाती थी और दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ये मधु के नाम से जाने जाते थे। स्वामी राम तीर्थ राम के नाम से जाने जाते थे। रामकृष्ण परमहंस गदाधर के नाम से जाने जाते थे और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम छबीली और मनुबाई था। कुछ लोगों ने छबीली और कुछ लोगों ने मनुबाई कहते थे। लोकमान्य तिलक केशव के नाम से जाने जाते थे। तानसेन राम तनु के नाम से जाने जाते थे। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। भीष्म पितामह अपने बचपन में देवव्रत के नाम से जाने जाते थे और गुरु तेग बहादुर त्यागमल के नाम से जाने जाते थे। गुरु अंगद देव जी लहना के नाम से जाने जाते थे। भगवान महावीर वर्धमान के नाम से जाने जाते थे और महर्षि रमन वेंकट रमन के नाम से जाने जाते थे। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनी था।